20 से मैं अरुण कुमार शाही चीफ रिपोर्टर हूँ, आशुतोष कुमार शाही राष्ट्रीय अध्यक्ष जन जन पार्टी के। आज की ये बैठक है, इस संबंध में थोड़ी सी आप जानकारी। ईमानदारी पूर्वक कहना चाहूंगा और मैं बिल्कुल जमीनी बात करता हूँ, जितनी भी पार्टियां रजिस्टर्ड होती हैं या जितनी भी पार्टियां भारत में हैं, उन तमाम पार्टियों का एक ही उद्देश्य है कि हमारी सरकार बने, हम सत्ता में आए। लेकिन हमारा राष्ट्रीय जनजन पार्टी का केवल यह उद्देश्य नहीं कि हम सत्ता में आ जाएं और हम दिल्ली पर राज करें। हमारा उद्देश्य है कि हम दिल्ली पर राज नहीं करें, हम लोगों के दिलों पर राज करें और जनता की जो आम समस्या है हम उसके साथ में खड़े हों। बिहार से यदि बात करें, क्योंकि हम लोग बिहार से हैं और हम लोग अपनी पार्टी का विस्तार भी ज्यादातर बिहार में ही किए हैं, और पहले हम घर को ठीक करेंगे तब हम गांव को ठीक करने का जिम्मा लेंगे। तो हम पहले बिहार को ठीक करेंगे तब देश ठीक करने की बात करेंगे। तो बिहार की सबसे बड़ी आज समस्या है बेरोजगारी। यहाँ से जो हजारों लाखों की संख्या में जो हर महीने लोग पलायन करके दूसरे राज्यों में रोजगार की तलाश में जाते हैं, सबसे पहले इसको रोकना होगा और उसको रोकने के लिए बिहार में रोजगार देना होगा। जब तक रोजगार नहीं देंगे तब तक पलायन रुकेगा नहीं। तो रोजगार देने के लिए हम सरकार के पास कोई रोडमैप नहीं, लेकिन हम लोग चूंकि नेपाल बॉर्डर से लेकर और उत्तर प्रदेश बॉर्डर तक जहां तक बिहार फैला हुआ है, हम लोग 3800 गांव तक पहुंचे हैं आज तक पिछले 9 वर्षों में। और हम लोगों ने देखा है कि हम लोग यदि मिथिला क्षेत्र में जाए तो वहां किस प्रकार से रोजगार दिया जा सकता है, हम लोग यदि मगध क्षेत्र में जाए, शाहबाद क्षेत्र में जाए, तिरहुत में जाए, या तो वहां पर हम लोग किस प्रकार से रोजगार दे सकते हैं, टाल क्षेत्र में जाए तो वहां कैसे दे सकते हैं। तो हम लोग इसके लिए रोडमैप तैयार किए हैं। बिहार को कैसे हम लोग एजुकेशन के क्षेत्र में हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं, जैसे आज हमारे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है या दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए, इसको हम कैसे आईटी हब के रूप में हम इसको डेवलप कर सकते हैं, कैसे इसको इंडस्ट्री हब के रूप में हम लोग इसको इंडस्ट्रियल हब के रूप में इसको डेवलप कर सकते हैं, यहाँ पर रोजगार कैसे दे सकते हैं, बंद पड़े जो उद्योग धंधे हमारे हों उनको पुनर्जीवित कैसे कर सकते हैं ताकि उससे रोजगार सृजन हो, चाहे वो चीनी मिल हो, चाहे गत्ता फैक्ट्री हो, जूट फैक्ट्री हो या जो भी हो। तो हमारा मूल फोकस बिहार में रोजगार सृजन, सरकार पार्टी का रोजगार सृजन, यहाँ के लोगों को बिहार में ही रोजगार मिले, दूसरे राज्य के लोग बिहार में आए रोजगार के लिए, ऐसी स्थिति बनानी, अपराध पर नियंत्रण लगाना ताकि बाहरी निवेशकों को यहाँ निवेश करने में कोई भय न हो, और एजुकेशन पर मूल फोकस। एक चीज जो इसमें हम लोग अलग से जोड़े हुए हैं राष्ट्रीय जनजन पार्टी में, एक चीज की आजादी है कि अन्य पार्टियों में चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, राजद हो, जितनी ही बड़ी पार्टियां हैं, वहां आप मंच से, खुले मंच से दलित सवर्ण, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक की बात कर सकते हैं, लेकिन सवर्ण शब्द मुंह से निकालना वहां पर मना है। यदि आप निकाल दिए तो आप पर कार्रवाई हो जाएगी, ऐसा लगता है आपने गुनाह कर दिया। तो राष्ट्रीय जनजन पार्टी में इस बात की आजादी है कि यहाँ पर दलितों के अधिकार की बात होगी, पिछड़ों के भी अधिकारों की बात होगी, अल्पसंख्यक अधिकारों की बात होगी और साथ साथ गरीब सवर्णों के भी अधिकार की बात होगी। भविष्य में राष्ट्रीय जनजन पार्टी किसी अन्य पार्टी में विलय कर जाएगी क्या? नहीं, विलय की तो बात ही नहीं है, तो सपना भी नहीं सोचा। हम लोग पार्टी बनाए हैं विलय करने, और विलय ही करना होता तो हम लोग किसी पार्टी का झंडा ढो रहे होते, इतना मेहनत नहीं करते। भविष्य में राष्ट्रीय जनजन पार्टी जिस उद्देश्य के साथ में खड़ी है उस उद्देश्य की पूर्ति करेगी और बिहार में ऐसी स्थिति बनाएगी कि बिहार में एक सबसे मजबूत विकल्प के रूप में राष्ट्रीय जनजन पार्टी उभरेगी और लोग इसको सबसे बेहतर विकल्प के रूप में चुनेंगे, और उस दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं। जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, आशुतोष भैया कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, आशुतोष भैया कैसा हो। कार्यक्रम में अभी अभी आए हमारे परासर हॉस्पिटल के डायरेक्टर श्री डॉक्टर विजेश कुमार जी का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत। तो मित्रों, अभी अभी हम लोग अपने संगठन और राष्ट्रीय जनजन पार्टी की बात कर रहे थे। माननीय अध्यक्ष श्री इस सभा का संचालन कर रहे, सभा के अध्यक्ष माननीय श्री मृणाल माधव जी की निर्देशानुसार मैं मनीष कुमार इस सभा का संचालन कर रहा हूं।
हमारी पार्टी, जैसे हम पूर्व में भी बता चुके हैं कि हमारा संगठन माता है हम लोग के लिए, और हमारी पार्टी उस पेड़ का फल है। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।